पर इतना खतरनाक रास्ता है ना कि पूछो मत, दिमाग खराब हो गया। बहुत ही गंदा रास्ता है भाई, मैं मोदी को बोलना चाहता हूँ, बहुत ही गंदा रास्ता है, मोदी को बोलना चाहता हूँ रोड को बना के रखे, ये गलत बात है। इतना अच्छा सुंदर सा खुदिया रानी बनाया गया है, हो जाएगा। मेरा आइडिया है मिस्टर भानु सिंह, फॉलो मी। ये दो देखो, या। अबे इतना नजदीक करेगा लोग डर जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें हम कैलाश गुफा विजिट किए थे, और कैलाश गुफा जो है पूरा घूमने के बाद जो है अभी हम आप लोग को ले चलेंगे खुड़िया रानी। तो खुड़िया रानी दोस्तों कैलाश गुफा से जो है 15 किलोमीटर की दूरी पे है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो खुड़िया रानी पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो है प्रवेश द्वार है, ये देखो सीढ़ियाँ। हमको जो है काफ़ी नीचे जाना होगा, तो चलते हैं। देखो ये भी प्राकृतिक के बीच में माता खुड़िया रानी। तो ये देखो इधर से हमारे साथी लोग आ रहे हैं और फिर जो है नीचे की ओर चलेंगे। और काफ़ी जब से हम जो है ये खुड़िया रानी के लिए जो है रास्ता पकड़े हैं तब से एकदम ढलान ही ढलान मतलब नीचे की ओर उतरते ही जा रहे हैं। अभी बाइक पार्किंग करके जो है यहाँ से और नीचे जो है सीढ़ियाँ से जो है अब नीचे उतर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं कैसा नज़ारा है खुड़िया रानी का। तो दोस्तों हम पहुँच गए खुड़िया रानी, ठीक है। इधर खुड़िया रानी माता जी का गुफा है, यहाँ पर पूजा पाठ होता है और हम जो है यहीं पर बैठ के वेट कर रहे हैं। इधर का कुछ लोग जो है गुफा के अंदर जा रहे हैं और जीत दिया गया है गुफा अंदर पूजा करने के लिए। और यहाँ का व्यू देखो काफ़ी यूनिक है। तो ये देखो यहाँ पे माता रानी जी का झंडा, और यहाँ पे जो है काफ़ी सारे बंदर हैं। पूरा आपको सीढ़ियाँ सब में जो है देखने के लिए मिल जाएगा। और बंदर लोग क्या हैं, आते जाते श्रद्धालुओं को जो है कुछ खाने के लिए जो है हर इंसान को जो है निहारते रहते हैं। तो जब भी आए तो कुछ न कुछ बंदर के लिए ज़रूर लाएं। और यहाँ पे जो है ऑफ सीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादा लोग जो है अभी आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। नवरात्र के टाइम जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ माहौल जो है आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों अभी चलते हैं, काफ़ी घूम लिए, टहल लिए, काफ़ी थक गए कहना चाहिए। कैसे बिल्कुल भानु प्रताप लग रहा है। ओ भाई देखो काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा। अरे रुक जाओ, मोबाइल फाइल लीजा कर दर्शन कर लिया माता रानी का। ओ भाई आते टाइम तो मजे आ गए। प्रसाद खिला यार, प्रसाद खिला ना, दर्शन करके आया। ये देखो ये काफ़ी बड़ा झरना, जब बरसात के दिन जो है यहाँ काफ़ी बड़ा वाटरफॉल देखने के लिए मिलता है। फिलहाल सूखा का दिन है, गर्मी का दिन है, सूखा सही पड़ा हुआ है। ओ भाई पाए लीजा। ओह, तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जो है हालत ख़राब हो गया, देख सकते हैं पूरा पसीना। ये देखो पूरा पसीना पसीना हो गया, गर्मी गर्मा हो गया। अरे भाई साहब साला दौड़ते आ रहा है, इतना एनर्जी बढ़ा दिया है, भगवान का आशीर्वाद लेके इतना पावर मिल गया है इसको कि अभी कोई भी दुश्मन आ जाए तो उसको धूल चटा सकता है। ये बहुत थक गया है एकदम, और हालत खराब हो गया। और कृष्णा को देख सकते हैं फिर एकदम पूरा खतरनाक आदमी है वो, पिया बोला तो ये पूरा लड़गड़ा आ गया है। देख सकते हैं प्रियंका परमिला परमिला हाय कर दे सर कैमरा में एकदम। हाय गाइस, कैसा लग रहा है तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मजा आ गया। अब देख सकते हैं हमारा आ रहा है के कॉमेडी प्रो आ रहा है, लगता है इसका एनर्जी पूरा डाउन हो गया है, पूरा लड़खड़ाते हुए आ रहा है। देख सकते हैं नज़र सामने दोनों आंखों में, चश्मा नीचे नहीं आ रहा है। देख सकते हैं सेठ अपना पेट निकाल के पसीना पसीना सबसे छेदा थक गए हैं बाबा। लेकिन जैसे कि झरना वरना वैसा मजा से ना और अच्छा था। तो चलते हैं, यहाँ पे कुछ मार्केट एरिया है, वहाँ कुछ पानी वगैरह कुछ खाते पीते हैं, फिर जो है निकलेंगे। और एक तो आने वाला रास्ता भी काफ़ी खतरनाक है, जैसे कि आप लोग देख चुके होंगे। कैसे प्रतिभा यही वीडियो बना रही थी, यही हाँ, ऐसा बड़ा बड़ा गोटा है कि क्या बोले, अपना पत्थर अपना गोंडी में बोले तो कलगोटिंग बोलते हैं, कलगोटिंग। या खुड़िया रानी का जो ये मार्केट एरिया है, और यहाँ पे पूरा पूजा सामग्री से लेकर मनियारी सब की दुकान सब भी यहाँ पे मिल जाते हैं, और छोटे बड़े चाय नाश्ता का भी यहाँ पे होटल सब लगे हुए हैं। तो सारी व्यवस्था है यहाँ पर। तो देख सकते हैं ये है खुड़िया रानी का मार्केट एरिया कह सकते हैं। इधर देख सकते हैं होटल। तो ऐसी है खुड़िया रानी, ठीक है, पूरा प्रकृति के बीच में बसा है। कुछ मंगाइए सर। क्या मंगाना है? कुछ मंगा लीजिए खाने पीने के लिए, और क्या ही बताएं। बोलो चाय। चाय इतना गर्मी में कौन पीता है सर, कुछ ठंडा मंगाइए। अबे पीना पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक माजा हो जाए, स्प्राइट स्प्राइट कुछ ना हमारे पेट। अरे मत बोल ना यार, लेट। तो हम लोग का आज का टूर जो है यहीं पे समाप्त होगा, और अभी हम चलेंगे बगीचा वाले रास्ते से, उसके बाद में जो है अपने घर के लिए निकलेंगे। अगर टाइम मिला तो राजपुरी वाटरफॉल घुसेंगे, अन्यथा हम घर निकलेंगे। तो चलते हैं यहाँ से। और इधर देख सकते हैं ये खुड़िया रानी नज़ारा। काफ़ी लोग जो है यहाँ पिकनिक मनाने सब आते हैं, माता रानी के पास जो मन्नतें मांगे रहते हैं, तो मन्नतें जो है पूरी हो जाती है, तो बकरा वकरा जो है इधर चढ़ाते हैं, और यहाँ पे जो है खाना पीना जो भी पिकनिक सब मना के जो है उन लोग जाते हैं। तो देखो काफ़ी भीड़ भाड़ माहौल सब रहता है। फ़िलहाल अभी ऑफ सीज़न है कहना चाहिए, नवरात्र हो गया है, ऐसी सीजन में जो है ज्यादा भीड़ भाड़ देखने के लिए मिलता है। लड़का कैसे खाता है? बनता है ना। अबे भी बनता है ना। क्या बोल? अबे भी बनता है ना। अरे बाबा साला भूखा 360 स्वाद कैसा भी हो, लेकिन ठंडे की वजह से। मेरा आइडिया मिस्टर भानु सिंह फॉलो मी, मेरा आइडिया मिस्टर भानु सिंह फॉलो मी। ये दो देखो। या। अबे इतना नजदीक करेगा लोग डर जाएंगे। बेचारे मुंडिया दी दिला दी तो कातिल बखा दे मेनू के वे जावेंगी तू फास्ट। अबे धाद याओ I'm a rider go आज इन लोग का विदाई हो रहा है। देखो आज अपने गांव छोड़ के जो है अपना बस्तर जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, मतलब इतना दिन घूमे फिरे मस्ती किए, बहुत मजा आया, लेकिन अब अपना घर भी तो जाना पड़ेगा ना, अपना बस्तर या गांव नारायणपुर। इधर परमिला फिर से आना, ठीक है? आएंगे ना, कैसे नहीं आएंगे। अब बंदे लोग का शादी वादी है, नाचना है, इन लोग का शादी होगा तो आना। आप नहीं बुलाओगे, मतलब इन लोग होंगे तो ये लोग भी बुलाएंगे, आप नहीं बुलाओगे? बुलाएंगे ना, क्यों नहीं बुलाएंगे। तो चलो ठीक है, इन लोग को जो है हम पत्थलगांव, हाँ ये इसको ले चलो, इसको बड़ा बदमाशी है। तो इन लोग को जो है हम पत्थलगांव छोड़ने जा रहे हैं बस स्टैंड, फिर मतलब रायगढ़ तक जो है बस में जाएंगे, फिर उधर आगे रायपुर तक ट्रेन सुविधा है, और वहाँ से फिर बस्तर के लिए जो है बस। हाँ, तो चलते हैं पत्थलगांव।